तो स्क्रीन को लेकर तमाशा मच गया है, लिटरली तमाशा हो गया, पूरे के पूरे सिंगल स्क्रीन्स मल्टीप्लेक्सेस को लेकर तमाशा मच गया है। और यूट्यूब में एक दल्ला यूट्यूबर है जो एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग में बहुत शाहरुख खान कर पूरा ये कर रहा है, अब फुल ऑन फुल मास नेगेटिविटी कर रहा है जस्ट कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्लैश करना चाहिए था नहीं, जब वहाँ पर एक मूवी पहले से रिलीज़ हो रही है, एक मूवी ने पहले ही वहाँ पर अपना मतलब 2 साल पहले अपना एडवांस मतलब बुक कर दिया, वो पूरा का पूरा फेस्टिवल बुक कर दिया है, जबकि उस बंदे को लास्ट 4 साल से कहीं कोई भी जगह पे वो फिल्म रिलीज़ ही नहीं कर रहा है। एंड जो 2 फिल्म उसने लेकर आई वो कोई बहुत बड़ी फेस्टिवल रिलीज़ नहीं है, जवान जो है एक नॉर्मल एक पार्शियल हॉलीडे रिलीज़ थी, एंड जो पठान जो थी वो एक नेशनल हॉलीडे रिलीज़ थी, कोई फेस्टिवल रिलीज़ नहीं। फेस्टिवल रिलीज़ अलग होता है, 6-7 दिन की मतलब वो जो छुट्टी को मतलब वो कैप्चर किया जाता है और उसमें कलेक्शंस किए जाते हैं। तो ये सब होने के बाद इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है कि पीवीआर आइनॉक्स का साथ जो अभी बहुत बड़ा अभी तमाशा हो रहा है, सीन ये हुआ है कि डंकी को नॉर्थ के अंदर पे मतलब शोज फुल ऑन फुल दिए जा रहे हैं सिंगल स्क्रीन्स एंड मल्टीप्लेक्सेस में। क्या हो गया कि दे आर लाइक, ये मैं 6-7 दिन से बोल रहा था ये होने वाला है, बट उस टाइम पे सब 46 कर रहे थे, मैं बोला कोई 46 नहीं होने वाला है, तुम लोग देख लेना क्या हो रहा है। तो अभी क्या, और जो ये लोग जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि 2nd दिन का एडवांस बुकिंग चालू नहीं हुआ सिंगल स्क्रीन में, तो मे बी ये हो सकता है कि वो लोग वर्ड ऑफ माउथ पे, वो लोग शायद वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर डिपेंडेंट हो, शायद उस टाइम पे चालू करे, या मे बी आज रात या 10-11 बजे तक के अंदर 2nd, 3rd day, 4th day का भी ये लोग सिंगल स्क्रीन का शोज काउंट चालू कर देंगे। बट शोज काउंट जितने भी है, सिंगल स्क्रीन्स जितने भी है, सारे के सारे डंकी को दे दिए गए। तो उसके बाद क्या हो गया कि पूरा मतलब डिमांड, हाई डिमांड करना चालू हो गया था, हिमालय फिल्म्स ने हाई डिमांड किया कि लाइक वो सारे स्क्रीन्स हम लोगों को चाहिए, नॉर्थ के अंदर से हम लोगों को चाहिए, क्योंकि ये भाई मैं कसम से बोल रहा हूँ, अच्छा हुआ ये जवान और पठान नहीं है, ये जवान और पठान होती ना तो अभी तक ना मतलब पूरा का पूरा सिनेमा वर्ल्ड है ना इंडिया के अंदर में, तबाही मच चुका होता। ये जो थोड़े मतलब मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर राजकुमार हिरानी के टाइप की फिल्म हुई डंकी, तो ये जो थोड़ा टाइम का जो खुशी मिला है वो भी खुशी इन लोगों का ख़त्म हो जाता था, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि क्या डिस्ट्रक्शन होता। तो वो सब चीज़ को साइड करो, अभी क्या हो रहा है, अभी एक ही चीज़ हो रहा है कि पीवीआर आइनॉक्स के ऊपर में मतलब पूरा का पूरा एक रिवर्स बैकफायर हो रहा है कि अगर तुम लोगों ने शोस एंड स्क्रीन्स नहीं दिए, तो वो सीधा कह रहे हैं सिंगल स्क्रीन्स एंड मल्टीप्लेक्सेस वाले कह रहे हैं कि जिस बंदे ने हज़ार करोड़ करके पूरा साल भर हम लोगों को मतलब चांदी कर दिया, उस बंदे के साथ हम लोग मतलब गद्दारी नहीं कर सकते। इवन उसी बंदे ने रिलीज डेट अनाउंस पहले की है यहाँ के लिए, क्रिसमस के लिए, आप लोग तो रिलीज डेट यहाँ पर कहीं कबड्डी खेल रहे थे, कबड्डी खेल कर आप कहीं भी जा सकते थे, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मतलब एग्जैक्टली द पॉइंट इज दिस, कुछ यूट्यूबर्स दल्ले लिख बोल रहे हैं कि शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा तो इन लोगों को नहीं करना चाहिए था नहीं, जब पता है कि स्क्रीन को लेकर इतना हल्ला मचने वाला है, जब पता है कि उस बंदे ने 2 साल पहले से वहाँ पर अनाउंसमेंट करी थी, जब पता है कि उसने 2000 करोड़ दे दिया ऑलरेडी, जब पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जीब्यूटर्स को मतलब खुल्लम मतलब माला माल कर रहा है वो बंदा, तो वो नहीं करना चाहिए था, वो करना ही नहीं चाहिए था। ये दल्ले लेकिन बोल रहे कि SRK को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है वो सब चीज़ को साइड करो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है ये सब ये लोग यहाँ पर यूट्यूब में क्या है पता, जो फ्रॉड है ना, जो फ्रॉडपंथी करता है ना, मूवीज़ देखते भी नहीं है रिव्यू कर डालते ये लोग, फ्रॉडपंथी करते हैं ना, इनका मतलब इनका अच्छा मार्केट धंधा चलता रहता है, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता अदर देन दैट। तो अभी क्या हो गया कि पीवीआर आइनॉक्स मल्टीप्लेक्सेस रिफ्यूज़ कर चुकी है कि हम लोग डंकी को, नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, कि हम लोग डंकी को ही शोकेस करेंगे। तो इसमें क्या हो गया कि हिमालय फिल्म्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस ने, SRK प्रोडक्शन हाउसेस ने बैकफायर किया कि हम लोग भी फिल्म उठाकर पीवीआर आइनॉक्स को नहीं देने वाले, अगर ऐसा होगा तो हम लोग भी, इन लोगों ने अभी एडवांस बुकिंग देख लिया कि 30-30 हज़ार टिकट्स बिक रहे हैं, तो इनको क्या है कि मतलब ये अंबत्ती रेड्डी वाला केस हो गया, अगर मैं तुम लोगों ने मेरे को वर्ल्ड कप में नहीं लिया तो मैं रिटायर ले लूँगा, तुम लोगों ने मेरे को वर्ल्ड कप में ले लिया मैं रिटायर ले लूँगा, तो यही हिसाब हो गया कि हम अपनी फिल्म पीवीआर आइनॉक्स से शेयर नहीं करेंगे, टीम अप नहीं करेंगे, हम अपनी फिल्म नहीं देंगे। तो पीवीआर आइनॉक्स ने अभी शाम के 6 बजे रिवर्स बैकफायर कर दिया कि जो शोज
साउथ के अंदर में, मतलब साउथ साउथ रीजन्स के अंदर में जो शोज़ इनको दिए गए थे, सलार को दिए गए थे, वो शोज़ भी लेना चालू कर दिया है पी वी आर आइनॉक्स ने। वो शोज़ भी लेकर चालू करके निकाल कर वो शोज़ सारे के सारे डंकी को देना इन लोगों ने चालू कर दिया है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि एक ही चीज़ के ऊपर डंकी टिकी है, बिकॉज डंकी का ट्रेलर ठंडा है। ये मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये अगर संजू जैसी फिल्म का ट्रेलर इतना खतरनाक बना सकता है तो इसका भी बनाना चाहिए था। ट्रेलर ठंडा, सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ, कोई प्रमोशन, कोई बज ही नहीं बना इस फिल्म का, टू बी फ्रैंक। तो ये चीज़ तो गलत हुआ है इनके तरफ से। अगर वो होता तो शायद ओपनिंग भी 45-50 की लगती, तो वो बज, वो हाइप, वो मतलब गर्म जो होता है ना, वो गर्म क्रिएट ही नहीं कर पाए लोग। क्यों नहीं कर पाए, इनका रीजन्स इनके तरफ से यही आया अभी तक। डिस्ट्रीब्यूटर सब जगह से मेरे को यही मिलने को, मेरे को सुनने को मिल रहा है कि ये पूरा का पूरा सब चीज़ों को छुपाना चाह रहे हैं। बिकॉज फिल्म के अंदर कुछ ऐसा ऐसा हम लोगों को देखने को मिलेगा, पब्लिक पूरा पागल होकर थिएटर से बाहर निकलेगी, पागल होकर थिएटर से बाहर, इमोशनल फ्लिक, कनेक्टिविटी टचअप कर जाएगी पब्लिक को। तो वही चीज़ को पब्लिक तक पहुँचाना है, बिकॉज ये कोई जवान या पठान या मॉन्स्टर, ये दो मॉन्स्टर फिल्म ने जितना सिर्फ और सिर्फ नेशनल चेंज के अंदर 6 लाख टिकट बेच दिया था उन लोगों ने, तो उनके जैसा मॉन्स्टर नहीं है ये। तो ये एक जस्ट इसको क्या है कि एक स्लो स्टार्ट के साथ भी इसका वर्ड ऑफ माउथ इतना खतरनाक हो जाएगा कि जवान और पठान से ज़्यादा मंडे ट्यूसडे वीकडेज के अंदर कलेक्शंस करेगी, और आसानी से ये भी उनको क्रॉस करने के लेवल पे पहुंच जाएगी। तो सब कुछ डिपेंडेड वर्ड ऑफ माउथ में। कल सुबह 4:30 से 5 के आसपास मेरे को पहला रिव्यू न्यूजीलैंड से, जो हर बार हर बड़ी फिल्म में मिलता है, मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन, वो घंटी वाला बटन है उसको दबा के रखो, नहीं तो रिव्यू आकर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मिलते हैं अपने ग्लोरी से, तब तक के लिए।